आपके अपने YouTube चैनल ग्रोमो ट्रेडिंग में। तो गाइस आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं MRPL के बारे में गाइस, जिसका कि फुल फॉर्म है मेलिग्यो रिफाइनरी एंड फार्मास्यूटिकल गाइस, पेट्रोकेमिकल गाइस। और यहां पे आज के लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 4% की अपसाइड की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और यहां पे जानेंगे इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसके फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे इसका 52 वीक लो है 49.25 रुपीज़, और 52 वीक हाई है इसका आज के लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन का वो 103.45 रुपये है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये एक मिड कैप कंपनी है गाइस, जिसका कि लार्ज कैप बनने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और इसके फंडामेंटल माय व्यू पर्सनल अकॉर्डिंग टू गाइस स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग है। आप यहां पे देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है वो 17,464 करोड़ का है गाइस, और इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का EPS है अर्निंग पर शेयर 5.44 का, और ट्रेलिंग 12 मंथ का PE रेशियो है वो 18.33 का है। और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे वो 1.78 पे ट्रेड कर रहा है, और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है। और ये कंपनी डिविडेंड देती नहीं है गाइस, और इस सेक्टर का PE रेशियो है 28.73 का, तो यहाँ से अभी काफ़ी लोअर पे ट्रेड कर रहा है एज अ PE रेशियो गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 56 रुपये की है, तो इस अकॉर्डिंग भी अभी नेगलिजिबल से प्राइस पे ही मिल रहा है गाइस ये शेयर। तो और उसके कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे रिटर्न वाइज, तो रिटर्न वाइज कंपनी ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डरों को, और जो कि इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है भी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशनों तक इसके जो लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी है वो बनी रहेगी गाइस। यहाँ पे 1 वीक का रिटर्न देखेंगे 7.5% का है, 1 मंथ का 2% का, 3 मंथ का इसका 26% का रिटर्न है, और ईयर टू डेट का 78% का रिटर्न है, 1 ईयर्स का 65% का, और 3 ईयर्स का इसका 218% का रिटर्न है गाइस, यानी कि 3x इसने आपका पैसा कर दिया होगा यदि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है गाइस। और यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये शेयर गाइस, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे इसके फाइनेंशियल डेटा अकॉर्डिंग इसका जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ के पास का भी नहीं है, और इसका जो रेवेन्यू देखेंगे वो 1,08,856 करोड़ रुपये का है। तो यहाँ से कंपनी में आपको दिख रही होगी भी क्या ग्रोथ है, और उसके अलावा जो इसका नेट प्रॉफिट है वो एज अ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों फेस में ही चल रहा है, तो वो एक ये रिस्की फैक्टर है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर था वो डेट टू इक्विटी रेशियो था गाइस इसका, जो कि इसने कंपनी ने अब स्लोली स्लोली कम कर काफ़ी लोअर देन पर ला कर रख दिया है। और यहाँ पर ROE देखेंगे इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी वो अभी सस्टेनेबल चल रही है प्रीवियस के 2 क्वार्टर से, तो ये भी एक कंपनी में एज है गाइस। और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे इसके क्या प्रो एंड कॉइन है गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स 24,832 करोड़ की है इसने जून के क्वार्टर में, और टोटल इनकम इसकी 24,884 करोड़ रुपये की रही है, और टोटल एक्सपेंडिचर इसके रहे हैं वो 23,058 करोड़ रुपये के रहे हैं। EBITDA अर्निंग पर बिफोर इंटरेस्ट टैक्स देखेंगे वो 1826 करोड़ के हैं, और इंटरेस्ट इसने पे किया है 267 करोड़ का। तो यहाँ से आप इसमें जान सकते हैं भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा डेप्ट था, जो कि इसे ये इसको ये डेप्ट बर्डन से निकलने में अभी ये स्लोली स्लोली कम कर रही है अपना डेप्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे 267 करोड़ का इसने इस बार इंटरेस्ट पे किया है, वो भी इसने अपना जो डेप्ट था गाइस वो कम किया है, उस वजह से इनका ये अभी इंटरेस्ट कम दिखा रहा है, और ये आगे भी कम होने की पॉसिबिलिटी है गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स जो इसने पे किया है वो 546 करोड़ का पे किया है, और नेट प्रॉफिट इसका 1,012 करोड़ रुपये का रहा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा गाइस। और यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी पर्सन को F&O ट्रेडिंग में रुचि है वो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है, जिसमें कि हम डेली के 2 टारगेट प्रोवाइड करवाते हैं, और हमारे टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी 60 से 80% रहती है। और यदि किसी भी पर्सन ने अभी तक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो वो भी हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, जिसमें कि आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं पे करनी पड़ेगी एज ए लाइफ टाइम के लिए। और यदि आपको F&O ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ द ऑफर है, जो वो आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक से आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उसमें 2024 के फरवरी एंड तक कोई भी F&O ट्रेडिंग के चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे गाइस, जो भी एक हमारी तरफ से आपको छोटा सा नोटिफिकेशन है गाइस, चाहें तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं।
और आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 90% के आसपास की है, तो यहाँ पे भी एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही हैं गाइस, क्योंकि सेबी की जो गाइडलाइन है उसमें 75% से ज़्यादा हिस्सेदारी कोई भी कंपनी रख नहीं सकती एज अ लिस्टेड, तो वो भी इनको यहाँ पे कम करनी पड़ेगी। उस अकॉर्डिंग इसमें पंप एंड डंप स्कीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यदि प्रमोटर चाहें तो, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है इसमें, तो वो चाहें हायर देन प्राइस पे ऑफर फॉर सेल लाकर सेल कर सकते हैं गाइस यदि कंपनी में वैल्यू होगी तो। गाइस वैल्यू तो जनरली यहाँ पे दिख ही रही है आपको, जब कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ से डाउन है और इसका जो सेल्स है वो 1,00,000 करोड़ के आसपास की है, तो वहाँ से आप कंपनी में वैल्यू एज आ देख सकते हैं कि कंपनी में कितनी वैल्यू है, तो इस चीज़ को जरूर आप कंसिडर कीजिए गाइस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।